बैठे रहिए। जी सुभान अल्लाह। अरे थैंक यू बहुत। आज आपके बेमिसाल अलौकिक और कमाल की प्रस्तुति जो हुई आपके राग की, सबको यहाँ माहौल ही बदला दिया आपने आज का। एक बात और है कि मैंने थोड़े दिन पहले शाहबाज से बात की थी तो उनसे पूछा था कि उनके घराने में कोई खूबी हो, अलग राग हो जो कुछ आप बताएंगे, तो उन्होंने कहा राग गाएंगे लेकिन उनके खूबी है तराने में और आपके तानों में, जो आपने यहाँ प्रदर्शनी दे दी आज शाम। आप दोनों की आवाज़ बड़ी बुलंद है, वेरी विगरस वॉइस मैचिंग ऑल्सो योर बॉडी लैंग्वेज एट द सेम टाइम। एंड सेकेंडली बात ऐसी है कि जो आप गाते हैं ना, आपके घराने के कई कलाकारों को हमने सुना है पहले भी, लेकिन आपके गाने में एक अलग ढंग था, जो प्रेजेंटेशन कहते हैं ना वो अलग था। ये आपकी जरा नवाजी और आपकी मोहब्बत और खुलूस है जो आपके अल्फाजों में। आप मियां तानसेन के अनुयायी हैं यानी फॉलोअर्स हैं, तो अगर अकबर बादशाह शहनशाह के आज दरबार यहाँ होता तो आपकी गिनती उनके नवरत्न में हो जाती। दस और ग्यारह नवरत्न, दस और ग्यारह रत्न हो जाते उनके। सब भगवान कृपा है, आप सब लोगों का प्यार है। एक पुरानी फिल्म थी खामोशी, उसका नाम था, जो हमने पटना में देखी थी। गुलजार साहब की गीतें थी उसमें और हेमंत कुमार जी की म्यूजिक था उसमें। एक गाना था, वो कहता था हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू। अगर आंखों की खुशबू देखी तो आवाज की खुशबू भी आज हमने महसूस की आपके गाने में। कार्यक्रम